हेलो एट क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज आपका मॉरल वैल्यू का टर्न है, तो निकालिए अपनी मॉरल वैल्यू की बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 50, चैप्टर नंबर 7, इमेजिनेशन वैल्यूज। तो बच्चों, इसमें जो स्टोरी है 1948 का एक इंसिडेंट है। किसकी स्टोरी है ये? एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है, जॉर्ज दे मेस्ट्राल, उनकी स्टोरी है। तो देखते हैं कैसी स्टोरी है। बहुत ही अच्छा गर्मियों का दिन था, तो एक माउंटेनर, मतलब माउंटेन की तरफ रहते थे तो माउंटेनर कहते हैं वहां के लोगों को, तो जॉर्ज दी मेस्ट्राल अपने डॉग को लेकर घूमने के लिए निकले। तो जब वो घर वापस आए तो उन्होंने देखा उनके कपड़ों पर, जो आपने एक प्लांट देखा होगा जो हमारे कपड़ों पर चिपक जाता है, वो बहुत थोड़ा कांटेदार सा रफ सा होता है, चिपक जाता है, फिर उसको हटाना पड़ता है, बर्ड्स कहते हैं। बर्ड्स आर प्लांट सीड सैक्स दैट क्लिंग टू एनिमल फॉर इन ऑर्डर टू ट्रेवल टू न्यू प्लांटिंग ग्राउंड्स। वो हमारे कपड़े चिपक जाते हैं ताकि कहीं वो गिरे तो उनके प्लांट्स जो है और बन जाए। तो जॉर्ज मास्टरल ने उनको अपने ऊपर से हटाकर माइक्रोस्कोप से जब देखा तो उन्होंने देखा कि ये जो बर थे, मतलब छोटे छोटे तंतु थे जो हमसे चिपक गए थे उनकी पैंट्स पर सारे उनके और उनके डॉग्स, तो वो चिपक गए थे। तो ही उन्होंने देखा इन पर छोटे 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 हुक्स थे जो इनको चिपकने में मदद कर रहे थे मेरी पैंट पर। तो जॉर्ज मास्टर ने जब अपना माइक्रोस्कोप पे से अपना सिर हटाया तो वो हंसने लगे और वो काफी एक्साइटेड हो गए कि अब मैं जो है टू साइड फास्टिनर बनाऊंगा। बच्चा, फास्टिनर क्या होता है? आप जो चिपक जाए, वंस जो बांध दे। अब बताती हूँ कैसे, जिसमें एक साइड तो स्टिफ होंगे, हुक्स होंगे लाइक बर, जिसमें एक तरफ से बर होगा और एक तरफ फैब्रिक होगा सॉफ्ट वाला। बच्चों, आई विल कॉल माई इन्वेंशन वेलक्रो। वेलक्रो क्या होता है? बच्चों, आपने देखा वो चिपकाने वाले होते हैं, वो तो चिपक जाते हैं आपस में, जैसे किसी, कभी कभी वो किसी के फ्रॉक में भी होते हैं, चिपकाने वाले नहीं होते, उनको आप दोनों को ऐसे हटा सकते हैं, चिपका देते हैं। जब सपोज आपके पास कोई डॉल हो तो उसके कपड़े नहीं होते, छोटा सा पीछे वो चिपक सी होती है, उसको आप चिपका देते तो उसको कहते हैं वेलक्रो। तो इन्होंने इन्वेंशन किया था उसका। तो और मैं ऐसा इन्वेंशन करूंगा जिसमें वेलोर और क्रोचर इन दोनों के मेल से बनेंगे और ये जो है बहुत अच्छा इन्वेंशन होगा। तो जो है मेस्ट्राल ने ये बात सबको बताई, लेकिन सब हंसने लगे, भला ऐसा भी कोई इन्वेंशन हो सकता है, और सबने उनका मजाक उड़ाया। लेकिन मेस्ट्राल ने अब डिसाइड कर लिया था कि मैं हार नहीं मारूंगा और मैं करके दिखाऊंगा। उन्होंने बहुत मेहनत की, टुगेदर विद अ वीवर फ्रॉम अ टेक्सटाइल प्लांट, उन्होंने फ्रांस की एक टेक्सटाइल से मदद ली। वहां पर उन्होंने हुक और अपने फास्टेनर का आइडिया बताया, उन्होंने इसका डिजाइन किया और फिर वेलको इंडस्ट्री को मैन्युफैक्चर किया, और उनकी जो इन्वेंशन थी बहुत लार्ज स्केल पर सक्सेसफुल हुई क्योंकि उन्होंने इन्वेंट कर दिया था। और मेस्ट्राल वाज सेलिंग ओवर 60 मिलियन यार्ड्स ऑफ वेलक्रो, मतलब 60 मिलियन यार्ड्स वेलक्रो वो बेक रही है। टूडे इट इज $multi-million इंडस्ट्री, आज के टाइम में $multi-million। बच्चों, $multi-million मतलब मल्टी मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में, $million की कंपनी है वो वेलक्रो। जैसे कि डॉल के कपड़ों पर चिपकाने के लिए तो चिपक सी होती है, उसको कहा जाता है, जैसे कि आप ये फोटो में थोड़ा पहचान सकें, अगर ये फोटो नहीं, ये फोटो में आप, ये उनकी इमेजिनेशन थी। तो इन्होंने, तो इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है? अगर हम कुछ इमेजिन करते हैं, सबसे पहले तो हमें सोचना चाहिए बड़ा, उसके बाद उसको करने के लिए हार्डवर्क करना चाहिए, और उसके बाद आप अपने इन्वेंशन पे, क्रिएटिविटी को सक्सेसफुल कर सकते हैं, जैसे मेस्ट्राल ने किया। उन्होंने तो सिर्फ एक प्लांट से अपने एक इन्वेंट कर दिया, इन्वेंशन कर दी। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, आपको इसका वर्क भेज दिया जाएगा। ओके, बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।